सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम ले रहे हैं। इस उपक्रम का उद्देश्य आप सभी को भी अब पता ही चला होगा। आजकल हम देखते हैं घर पे माँ पिताजी दोनों भी नौकरी करते हैं, घर में दादा दादी नाना नानी रहे ऐसे होता ही है ऐसे भी नहीं होता। इसलिए पूर्व काल में बच्चों के मन पर जो अच्छे संस्कार होते हैं वो अभी कम मात्रा में होते हैं। तो ये जो आधुनिक प्रणाली है तो इस प्रणाली का उपयोग करके सभी बच्चे ये अच्छे संस्कार अब सीख सकते हैं। तो आप सभी इसका जरूर लाभ लेना। इस संस्कार वर्ग में जो भी बातें हम बताते हैं, जो भी संस्कार बताते हैं, वो अगर आप आचरण में लाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो निश्चित स्वरूप से एक आदर्श संस्कारी राष्ट्राभिमानी ईश्वर भक्त ऐसी पीढ़ी हो सकती है। चलिए फिर अब हमारे आज के विषय को, हमारे आज के बाल संस्कार वर्ग को हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते समय हम क्या क्या करते हैं? तो अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लेते हैं और पूरे मन से ही एकाग्रता से ये प्रार्थना हम कहते हैं। चलिए फिर अब प्रार्थना आरंभ करते हैं। हे श्री गणेश जी, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र आप बताने वाले हो वो सारे सूत्र हमारे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम भगवान श्री गणेश जी का श्लोक एक साथ कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, ये जो संस्कार वर्ग चल रहा है तो ये प्रतिदिन कब आएगा इसकी आप सभी बच्चे राह देखते हो। इस वर्ग में हम जो भी बातें बताते हैं उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास भी आप सभी बच्चे कर रहे हो और ये सभी बातें हमें पता चल रही है क्योंकि आपका जो प्रतिसाद है, आपकी प्रतिक्रिया है, तो वो चैट बॉक्स में लिख कर हमें भेजते हो। बच्चों के माता पिता से भी नम्र विनती है, अपने बच्चे की प्रतिक्रिया लिखने के उपरांत उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। चलो फिर अब आज हमें कौन से बच्चों ने उनकी प्रतिक्रियाएं भेजी है तो वो अब हम देखते हैं। तो आज सबसे पहले हमें भेजा है साक्षी अहिर ने।
उसने लिखा है कि उसने एक दिन सारणी लिखाण नहीं किया है, इसलिए उसने एक क्षमा याचना की है। जाह्नवी और सार्थक कसलकर ने लिखा है कि उन्होंने चार दिन दोष और गुण संवर्धन सारणी नहीं लिखी है, उन्होंने भी क्षमा याचना की है। और इसके साथ ही अंजलि और चिन्मय मुजुमले ने कहा है कि उन्होंने कल सारणी नहीं लिखी है, इसके लिए उन्होंने भी क्षमा याचना की है। मान मित्रों, आप ये सभी बातें बताते हो, ये अच्छी बातें, परंतु ये जो स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी है, गुण संवर्धन सारणी है, तो वो किसके लिए है? हमारे लिए ही है ना। हम जब ये प्रतिदिन लिखेंगे तो हमारा मन जो है, हमारे मन पर जो बुरे संस्कार है, स्वभाव दोष है, तो वो कम होंगे और फिर हम एक आदर्श और गुणी बच्चे बन सकेंगे। तो सभी बच्चे अब गांधीर्य से प्रतिदिन ये जो दोनों सारणियां है, ये हम कैसे लिख सकेंगे, इसका नियोजन भी करना। अगर आप नियोजन करेंगे तो वो अवश्य आपसे हो सकता है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे फिर से प्रयास करना। चलो फिर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज भी हम एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं, भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग, ये कहानी आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चे पूरा ध्यान देकर, पूरा मन लगाकर ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी होने के उपरांत आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है, ये आपको सोच के रखना है, ठीक है ना। चलो फिर अब हम आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, ये बहुत पुराने समय की बात है। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई नाम की एक माताजी रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण जी की उपासक थी। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना पुत्र माना था। वो भगवान श्री कृष्ण से बातें भी करती थी, अपने पुत्र के लिए क्या क्या करते वो सभी वो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए करती थी, उनकी सेवा करती थी, उन्हें भोग लगाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई के मन में विचार आया, जैसे मैं प्रतिदिन मेरे कान्हा को कुछ ना कुछ भोग चढ़ाती हूँ, तो मैं प्रतिदिन उन्हें फल या कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ देती हूँ, परंतु आज मैं अपने भगवान को स्वयं के हाथ से कुछ ना कुछ बनाकर उन्हें खिलाऊंगी। तो ऐसा विचार मन में आने के उपरांत कर्माबाई ने वैसे भगवान जगन्नाथ जी को ये बताया। तो उस पर भगवान जगन्नाथ जी बोले, माँ मुझे तो अभी ये बहुत ही जोर की भूख लगी है, तो जो भी कुछ तुमने बनाया है वही मुझे खाने के लिए दे दो। भगवान तो भक्त के भाव के ही भूखे होते हैं ना। तो उस समय कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई हुई होती है, तो भगवान ने जैसे बताया, कर्माबाई ने उन्हें गरम गरम खिचड़ी दी। भगवान भी पूरे स्वाद के साथ वो खिचड़ी खाने लगे। तो उस समय कर्माबाई अपने माता का जो कर्तव्य था उसे निभाने के लिए भगवान को पंखा झेलने लगी और वो ये सोचने लगी कि कहीं ये गरम गरम खिचड़ी खाते समय मेरे कान्हा का मुख न चले। इसलिए वो मातृत्व के प्रेम से भगवान को पंखा कर रही थी। बाल मित्रों, पूरे संसार को अपने मुख में समाये जाने वाले ऐसे भगवान, परंतु वो भी अपने भक्त की ये जो भावना है, ये जो भाव है, तो उसे देखकर भाव विभोर होकर वो सारा महसूस कर रहे थे।
तो ऐसे होने के बाद फिर भगवान माताजी से कहने लगे, माँ ये खिचड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप प्रतिदिन मुझे ऐसी ही खिचड़ी खिलाया करो। तो फिर कर्माबाई बोली, ठीक है भगवान, ये तो मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। और फिर प्रतिदिन भगवान स्वयं वहां पे कर्माबाई के घर में आते थे। तो फिर कर्माबाई भी जल्दी सुबह उठती थी और बाकी कुछ न करते हुए सबसे पहले वो गरम खिचड़ी बनाती थी और बाद में फिर बाकी के सारे काम करती थी। और फिर भगवान भी प्रतिदिन आते थे और माँ को मुझे जल्दी से खिचड़ी खाने के लिए दो ऐसे कहकर गरम गरम खिचड़ी खाते थे और फिर लौट जाते थे। तो ये तो अब प्रतिदिन का क्रम ही हो चुका था। भगवान आते थे और माँ के हाथ की गरम गरम खिचड़ी खाके वापस जाते थे। तो ऐसे भक्त और भगवंत के बीच चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, तो वो जो कर्माबाई थी तो उनके यहाँ एक महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी ने देखा कि सुबह उठते उठते ही कर्माबाई खिचड़ी पकाने में लग गई। ये देखकर वो थोड़े से नाराज हो गए और वो कहने लगे, माता जी आप ये क्या कर रहे हो, सुबह उठने के उपरांत पहले तो स्नान करने के बाद पूजा अर्चना ये सब करना चाहिए और तुम तो ऐसी हो कि सुबह उठते ही तुम्हें अपने पेट की पड़ी है और तुम भोजन ही बनाने लगी, ये उचित नहीं है। तो उस पर कर्माबाई ने कहा, क्या करूं महाराज जी, पूरा संसार जिनकी पूजा अर्चना करता है तो वो स्वयं ही सुबह सुबह भूखे पेट मेरे यहाँ आते हैं, पर फिर उनके लिए ही मैं सुबह सुबह ये खिचड़ी बनाती हूँ। कर्माबाई के ये वाक्य सुनने के बाद वो जो महात्मा थे उन्हें लगा शायद ये पागल हो गई है, इसे लगता है जैसे भगवान तो केवल उसके खिचड़ी के ही भूखे हैं, ये क्या कर रही है ये। तो फिर से महात्मा जी कहने लगे, माई तुम ऐसे करना, सुबह उठने के उपरांत पहले स्वयं की स्नान संध्या ये सब बातें करनी चाहिए, बाद में रसोई घर की सफाई अच्छे से करनी चाहिए और फिर शुद्ध मन से तुम्हें भगवान के लिए जो तुम भोग लगाना चाहती हो वो तुम बना सकती हो, क्योंकि ऐसे सुबह उठने के उपरांत जब तुम भोग बनाती हो तो उसके कारण तुम भगवान को ही अशुद्ध कर रही हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। महात्मा जी के ये सारे वचन सुनने के उपरांत फिर कर्माबाई को भी लगा, ये जो बता रहे हैं वो सत्य ही है और मुझे ऐसे ही करना चाहिए। और फिर दूसरा दिन आता है, तो फिर दूसरे दिन कर्माबाई ने निश्चय किया कि अब मैं महात्मा ने मुझे जैसे बताया है उसी के अनुसार सभी कृति करूंगी। दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी भगवान आ जाते हैं घर पे और फिर कहने लगते हैं, माँ मेरी खिचड़ी कहाँ है, मुझे जोर की भूख लगी है। तो उस पर कर्माबाई कहती है, भगवान मैं स्नान कर रही हूँ, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो फिर भगवान खड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो पुनः पूछते हैं, माँ हो गया क्या, जल्दी मुझे खाने के लिए खिचड़ी दो, अब मेरा जो मंदिर है उसके पट खुल जाएंगे, उसके पहले मुझे मंदिर में पहुंचना चाहिए। उसके ऊपर फिर से कर्माबाई कहती है, हाँ हाँ भगवान मैं अभी रसोई घर की साफ सफाई कर रही हूँ और उसके ऊपर अंत मैं आपको तुरंत खिचड़ी खिलाऊंगी। तो फिर ये सब उसका जो कार्य था वो पूर्ण होने के उपरांत कर्माबाई ने भगवान जगन्नाथ जी को गरम गरम खिचड़ी दे दी। भगवान को देर हो चुकी थी
तो भगवान ने ऐसे ही जल्दी जल्दी में वो खिचड़ी खा ली। और खिचड़ी खाते समय उन्होंने पानी भी नहीं पिया, मुख भी नहीं धोया। वैसे ही वो दौड़ते दौड़ते मंदिर में जाने के लिए निकल गए। परंतु जैसे प्रतिदिन माँ खिचड़ी बनाती थी, उसका जो स्वाद रहता था, उसमें जो भाव रहता था, वो आज भगवान को नहीं लगा। परंतु भगवान वैसे ही वो जल्दी जल्दी खाकर बाहर निकलने लगे। तब बाहर उन्हें वो महात्मा जी दिखाई दिए। तब भगवान के ध्यान में आया कि आज मेरी माँ ने जो भी ये सारी कृति की, तो ये इन महात्मा के कारण ही होगा। उन्होंने ही माँ को गलत पट्टी पढ़ाई होगी। तो फिर वहां से भगवान मंदिर में जाते हैं। इधर मंदिर के जो पुजारी थे, तो वो मंदिर के पट खोलते हैं। और वो जब मंदिर में भगवान जी की तरफ देखते हैं, तो क्या भगवान के मुख को खिचड़ी लगी हुए है। पुजारी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो पूछते हैं, हे भगवान, आपके मुख को खिचड़ी कैसे लगी है? अभी तो हमने भोग भी नहीं लगाया है। तो उस पर भगवान जगन्नाथ जी उस पुजारी से कहते हैं, जी हाँ, मैं प्रतिदिन सुबह सुबह मेरी जो माँ है कर्मा बाई, तो उसके घर में जाकर गरम गरम खिचड़ी खाता हूँ। परंतु उसके घर में कोई तो महात्मा जी आ गए हैं और वो मेरी माँ को गलत पट्टी सिखा रहे हैं। तो तुम अभी के अभी वहां पे जाओ और वो जो महात्मा है उन्हें अच्छे से समझाओ। ऐसे कहने पर फिर पुजारी जी कर्मा बाई के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पे वो जो महात्मा थे वो उन्हें मिलते हैं। और फिर पुजारी ने सारी बातें जाकर महात्मा जी से बताई। उन्होंने बताया कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें अन्य किसी भी बात का कोई ध्यान नहीं होता। तो ये सुनने के उपरांत महात्मा जी घबरा गए और वो तुरंत कर्मा बाई के पास पहुंच गए और उन्हें कहने लगे, माता जी, मुझे क्षमा कीजिए, ये जो नियम धर्म ये सब जो है ना, वो हमारे जैसे संतों के लिए है। आप तो पहले जैसे खिचड़ी बनाती थी, वैसे ही उसी प्रकार से भगवान के लिए खिचड़ी बनाते ही रहना। तो फिर दूसरे दिन से फिर से कर्मा बाई भगवान के लिए पूरे भाव से, भक्ति भाव से खिचड़ी बनाने लगी। और फिर भगवान फिर से प्रतिदिन उसके घर में आते थे, खिचड़ी का भोग लगाते थे और फिर मंदिर जाते थे। तो ऐसे ही प्रतिदिन चलता रहा। बहुत साल ऐसे ही बीत गए। कर्मा बाई अब बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु फिर भी उसके मन का जो भाव था वो कम नहीं हुआ था। वो उसी भाव से निरंतर भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और भगवान भी दौड़े दौड़े आकर एकदम आनंद से खिचड़ी को भोग लगाते थे। परंतु एक दिन फिर कर्मा बाई की मृत्यु हो गई। उस दिन जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले, तो उन्होंने देखा कि भगवान के आंखों से अश्रु बह रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। ये देखने के उपरांत पुजारी ने पूछा, हे भगवान, आपको क्या हुआ? आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तो फिर भगवान बोले, क्या करूं पुजारी जी, इतने सालों तक मैं मेरी माँ के हाथों की, यानी मेरी जो भक्त थी कर्मा बाई, उसके हाथों की खिचड़ी खाता था और उसके कारण मुझे परमानंद मिलता था। परंतु अब कर्मा बाई नहीं रही, तो मुझे ऐसी अच्छी खिचड़ी अब कौन खिलाएगा? तो उस पर पुजारी कहने लगे, हे प्रभु,
आपको इसके उपरांत माँ की कमी हम कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। अब इसके बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग हम लगाएंगे। और बाल मित्रों, आपको पता है क्या, अभी भी भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। तो ये पूरी कथा सभी को अच्छे से ध्यान में आई ना? भक्त और भगवान के बीच की ये जो सारी कथाएं है, तो उससे हम उनकी जो अतुट आस्था है, अतुट विश्वास है, यही हमें पहचानने में आता है। और भगवान भी केवल और केवल सच्चे और पवित्र भाव के भूखे रहते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार अपने भाव से ही भगवान को प्रसन्न करवा के लेना चाहिए। ये जो कथाएं हम सुनते हैं, इनमें जो भक्ति का रस हमें मिलता है, तो ऐसे ही भक्ति के रस के इस सरोवर में हम आनंद की डुबकी ऐसे ही निरंतर लगाते रहेंगे, जिसके कारण हमें भी आनंद मिलता है ना? चलो फिर अब आज का प्रश्न क्या है ये हम देखते हैं। कर्माबाई प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को किसका भोग लगाती थी? और इसके पर्याय है, एक फलों का, दो मिठाई का, या तीन खिचड़ी का। सभी बच्चों को पता चला है ना उत्तर? तो कर्माबाई प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाती थी। चलो फिर बच्चों, अब हम नामस्मरण करेंगे। जैसे आज की कथा में हमने देखा ना कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, तो आज भी हम जब नामस्मरण करेंगे तो पूरे भाव के साथ करेंगे। हम भगवान को पुकार रहे हैं और वो हमारी ओर देख रहे हैं। इसी भाव से आज हम ये नाम जप करेंगे, चलेगा ना? अब हम सब हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और भगवान का रूप आंखों के सामने लाकर पूरे मन से, पूरे भाव से हम ये नामस्मरण करेंगे। चलिए फिर अब हम नामस्मरण आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, क्या अनुभव आया, ये आप हमें भी चैट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजना। चलो फिर अब आज की आदर्श कृति क्या है, इसकी उत्सुकता सभी को रहेगी। तो आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, इस विषय के बारे में आज हम जान के लेने वाले हैं। आप सभी को तो पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, परंतु जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी रायगढ़, तो वहां पे भी उन्होंने आक्रमण किया। रायगढ़ का जो 18 महल थे रायगढ़ पे, तो वो 18 महल उन्होंने ध्वस्त कर दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा साम्राज्य उन्होंने नष्ट कर दिया। उनकी जो रियासतें थी वो भी उन्होंने अपने अधिकार में ले ली। और जब अंग्रेजों ने रायगढ़ पर चढ़ाई की थी तो उस समय उन्होंने रायगढ़ पर बमबारी की थी, और उसका परिणाम यानी आगे के 18 दिनों तक रायगढ़ धधकता रहा। इतने जोर से और इतने बुरे तरीके से उन्होंने पूरा हमारा रायगढ़ ध्वस्त किया था। और उसके बाद हमारे महाराज का जो सिंहासन था, राज्य सिंहासन, उसके बारे में क्या हुआ ये तो किसी को भी पता नहीं है। तो ये अंग्रेजों के आक्रमण के समय की स्थिति थी। सर रिचर्ड टेम्पल नाम के भारत के एक गवर्नर थे, तो उन्हें एक बार किसी ने तो प्रश्न पूछा,
औरंगजेब जब महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए आया था तो उसके साथ 7 लाख मुगलों की सेना थी और वो 25 वर्षों तक महाराष्ट्र में युद्ध करता रहा, आक्रमण करता रहा, परंतु वो महाराष्ट्र अपने हाथ में नहीं ले सका और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था तो उसे भी नष्ट नहीं कर पाया। तो इतना जो बलशाली औरंगजेब था, जिसके पास 7 लाख मुगल सैनिक, बहुत सारा बारूद दारूगोला था और 25 वर्षों तक जो लड़ता रहा, फिर भी वो हिंदवी स्वराज्य महाराष्ट्र नहीं जीत पाया। और फिर अंग्रेजों ने तो केवल 10-15 वर्षों में महाराष्ट्र पर अपना अधिकार जमाया। तो ये कैसे हो गया? आपके पास तो इतने शस्त्र अस्त्र ये भी नहीं था, तो ये कैसे संभव हुआ? ये प्रश्न जब पूछा गया तो उस पर ये जो रिचर्ड टेंपल थे उनका जो उत्तर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी ध्यान लेकर सुनना। तो उसने ऐसे बताया, जब मुगलों ने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया तो सभी लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन था, उनका जो आदर्श था, वो उनके आंखों के सामने था। इसलिए मुगल इतने संख्या में होते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पाए। परंतु जैसे ही महाराज नहीं रहे तो सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनके पराक्रम को भूल गए और उसी के कारण हम आसानी से महाराष्ट्र पर, भारत पर कब्जा कर सके। तो बच्चों, आपके ध्यान में आ रहा है ना? तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो इतिहास है, पराक्रम है, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज के जो राजनेता हम देखते हैं तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम को भूल गए हैं और उनका केवल राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है। परंतु हम ऐसे नहीं करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन है तो वो हमें निरंतर याद रखना है, उनके प्रति हम कृतज्ञ नहीं बनेंगे। तो बच्चों, आपके ध्यान में आया ना कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भूले, उनके जीवन को भूले, उनके पराक्रम को भूले और उसी के कारण हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। परंतु अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम महाराज का जो आचरण था, उनके जो गुण थे, वो सदैव ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम प्रतिदिन, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतने सारे गुण हैं तो वो हम देखने वाले हैं। जैसे अंग्रेजों को सबक सिखाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, मंदिरों की रक्षा करने वाले शिवाजी महाराज, गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज, जल दुर्गों की रचना करने वाले हमारे शिवाजी महाराज, युद्ध नीति में धुरंधर ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज और आदर्श व्यवस्थापक शिवाजी महाराज, एक या दो, इतने सारे गुण हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज में है और इसका हमें अभिमान होना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये सारे गुण सीखने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगेगा ना? आज हम ये सारे गुण केवल हमने सुने तभी हमारे मन में कितना उत्साह आ गया है। तो अब हम प्रतिदिन एक के बाद एक ये जो सारे गुण है ये सीखने वाले हैं और ये अच्छे अच्छे गुण सीखकर उन्हें आत्मसात करने का हम सभी बच्चे प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो सभी छोटे छोटे मावले तैयार है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन ही हम अब प्रतिदिन सीखेंगे। बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। आप में से बहुत से बच्चों ने सनातन प्रभात का ऐप
गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया है और हमें बताया भी है। सनातन प्रभा यही एकमेव ऐसा दैनिक है कि जो केवल समाचार देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु राष्ट्र और धर्म की जो स्थिति है तो उसके बारे में समाज को योग्य दिशा देने का कार्य सनातन प्रभात करता है। उसके साथ ही धर्म के अनुसार आचरण करना यानी क्या करते हैं, धर्म का पालन हम कैसे कर सकते हैं, धर्म पर आघात हो तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, ये सभी बातें सनातन प्रभात में ही आते हैं। उसके साथ ही संतों के अच्छे अच्छे लेख, उनके विचार, साधकों ने साधना करने के उपरांत उन्हें आई हुई अनुभूतियां, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके गुण वैशिष्ट्य, ये सभी बातें सनातन प्रभात में प्रकाशित होती है। जो बच्चे अभी सनातन प्रभात पढ़ रहे हैं और उसके कारण उन्हें लाभ हो रहा है तो वो अब और एक काम कर सकते हैं। आपको जो बातें अच्छी लगती है वो आप लिख कर रख सकते हो और आपके परिवार के अन्य सदस्य या फिर आपके मित्र सहेलियां इन्हें आप ये सारी बातें बता सकते हैं और उसके साथ ही आपके अन्य मित्रों को सनातन प्रभात का यानी दैनिक सनातन प्रभात या हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य होने के लिए भी आप बता सकते हो। इसके कारण क्या होगा तो ये आपकी एक बहुत ही अच्छी समष्टि सेवा हो सकती है, क्योंकि हमने सभी ने निश्चय किया है ना कि हम पढ़ाई के साथ साथ सेवा साधना इसके लिए भी प्रयास करेंगे। और ये जो छोटी सी कृति है समष्टि सेवा की, ये तो हम आसानी से घर पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, तो सभी इसके लिए अवश्य प्रयास करना, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे की ओर जाते हैं। अब हम संस्कार वर्ग में स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास सभी स्तोत्र होते हैं ऐसी पुस्तिका है तो वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर हमारे साथ आप ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी अपने हाथ जोड़कर एकदम स्थिरता से बैठेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र कहने पर आपको अच्छा लगा ना, तो आपको घर पे भी ऐसे ही ये स्तोत्र कहने चाहिए। और अब तो आपके पास
सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य ही पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलिए फिर अब आज के इस वर्ग में भगवान ने हमें जो भी कुछ बताया, जो भी कुछ नई नई बातें हम सीख पाए, उसके लिए हम उनके श्री चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमें अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तरपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलिए फिर आज हमने जैसे कहानी सुनी वैसे ही और एक कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे कल भी जुड़ेंगे ना, और सभी ठीक समय पर संस्कार वर्ग में जुड़ेंगे। और हाँ बच्चों, आप सभी को याद है ना कि अब हमारा जो संस्कार वर्ग है प्रत्येक रविवार को सुबह 11:15 रहेगा, तो रविवार को सुबह 11:15 जुड़ना न भूलना, ठीक है ना। और आपके जो मित्र है, सहेलियां है, जिन्हें अपने वर्ग के बारे में बताया है, तो उन्हें भी इस बात की याद दिलाना। चलो फिर आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल फिर से एक नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।